साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। साथियों, जब रिफॉर्म की बात आती है, एक लंबा परिवेश है। अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाऊंगा तो शायद घंटों निकल जाएंगे, लेकिन मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बैंकिंग क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुआ, आप सोचिए बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था। न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार की कारनामे चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक विध रिफॉर्म्स किए और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुने मजबूत बैंक के हैं उसमें भारतीय बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना, तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। जब बैंक की व्यवस्था बन जाती है, जब सामान्य खास करके मध्यम वर्ग के परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको व्हीकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को कभी पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, ये सारी बातें उसे संभव होती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है मेरे रेहड़ी पटरी वाले लाखों भाई बहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योग के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है। उसको रोजमर्रा पैसों की जरूरत होती है अपने नित्य मर्जी पर प्रगति के लिए, और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारण संभव हुआ है।